ऐसा हुआ कि 10 साल पे ना मैं 10 साल तक हिम्मत में रही और अब जाके मैंने ऑपरेशन करवाया डॉक्टर शेरशाह से। अब मैं बेहतर महसूस करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। ये सब जो कुछ हुआ ये सिर्फ दाइयों की वजह से हुआ है और मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि घर में बैठने से बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर हमारे अच्छी सोच रखते हैं, आप जो भी कहना आप जो भी मसला हो डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर इस तरह नहीं करते कि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसे हमारा ऑपरेशन कर देगा, ऐसे हमारा वो, इस वजह से वो लोग डरते हैं। लेकिन जो उसके बाद से जो मसला होता है वो ज़िंदगी उससे भी बदतर हो जाता है, क्योंकि मैं 10 साल ऐसे से मैं गुजरी हूँ ना, मुझे पता है अगर मेरा शौहर और मेरे माँ बाप का साथ ना होता तो शायद आज मैं यहाँ आप लोग को सामने ना होती, क्योंकि ये ऐसी गंदी मर्ज है कि इंसान एक दूसरे के पास आना बैठना बैठ नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे मर्ज है कि इंसान की ना सर्दियों में गुजरती है रात और ना गर्मी में। गर्मी में इंसान इतना ज़ख्म हो जाते हैं, ऐसा फिस्टुला का मर्ज जो है ना वो बहुत गंदा मर्ज है और ये सब कुछ ये सिर्फ दाइयों की वजह से हो रहा है। और मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घरों में जो बैठते हैं दाइयों की वजह से बैठे रहते हैं वो लालच करती हैं और कुछ नहीं करती। डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे अपना इलाज करवाएं बेहतर। डॉक्टर ऐसे ऐसे उनकी फाड़ी करते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि पहले मरीज सही हो जाए, नॉर्मल केस हो, नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं सोचता तब जाकर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ।